फ्रेंड्स, स्टेट बैंक का जो कस्टमर SBI के योनो एप्लीकेशन यूज़ करता है, उनमें से बहुत सारा लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या योनो लाइट SBI ऐप में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एग्जिस्टिंग जो ID पासवर्ड है उनमें से हम योनो लाइट SBI में लॉगिन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे वो प्रोसेस होगा। तो आज का वीडियो में इन सारे चीज़ों का मैं कवर करूँगा, पूरा डिटेल आपको बताऊँगा कि कैसे आप योनो लाइट SBI ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं, सारा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं योनो लाइट SBI ऐप में कैसे लॉगिन किया जाता है। तो पहले उसके लिए आपको योनो लाइट SBI ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में, मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो इसको मैं ओपन कर लूँगा। देखिए, ओपन किया, ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग यूज़र नेम और पासवर्ड है SBI का योनो SBI ऐप का या आपको SBI का जो नेट बैंकिंग है उसके यूज़र नेम पासवर्ड है तो यहाँ पे आप उस पुराना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करने का कुछ तरीका है, पहले आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। अगर पहले बार आप योनो SBI लाइट ऐप यूज़ कर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे नीचे राइट साइड में देखिए रजिस्ट्रेशन का मेनू ही, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एग्जिस्टिंग यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको डाल दूंगा, फिर सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड में एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक करूंगा। देखिए, जैसे ही मैं सबमिट बटन में क्लिक किया यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारा टर्म्स एंड कंडीशन से, तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन इंटरनेट बैंकिंग और टर्म्स एंड कंडीशन मोबाइल बैंकिंग में आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके सारा टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे एक चेकबॉक्स है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें चेक कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट बटन है उसको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही आप एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे आपके पास आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक एक्टिवेशन कोड आएगा। मेरे पास एक्टिवेशन कोड आ गया है और सिंपली आपको यहाँ पे एक्टिवेशन कोड एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है उस सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक्टिवेशन कोड डालूंगा और सबमिट बटन में क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक्टिवेशन कोड इंसर्ट कर दिया और फिर सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए, जैसे ही सबमिट बटन में क्लिक किया यहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है यूज़र एक्टिवेशन सक्सेसफुल, यानी आपका जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन था उसका प्रोसेस आपको सक्सेसफुली कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह का और एक पेज आपके सामने आता है जो कि फ्रंट पेज है, लॉगिन पेज है। यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग SBI पासवर्ड है उसको दोबारा डालना होगा और उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे मैं मेरा SBI और पासवर्ड डालूंगा, फिर यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल दिया मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड और इसमें लॉगिन में क्लिक करूंगा। देखिए, जैसे ही लॉगिन में क्लिक किया यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है और उसके बाद देखिए इस तरह का जो फ्रंट पेज है, जो पेज है योनो लाइट SBI ऐप का, वो ओपन हो चुका है और सारा जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गया है। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। योनो लाइट SBI ऐप के ऊपर मेरा एक वीडियो भी अवेलेबल है कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, कैश विड्रॉल कैसे किया जाता है, सारा प्रोसेस यहाँ पे है तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताया कि वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है योनो लाइट SBI ऐप का वो कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप एमपिन से लॉगिन करें तो आपको इस ऐप में एमपिन भी आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 डॉट है उसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है मैनेज इजी पिन उसमें क्लिक कर देना है। फिर इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनेबल इजी पिन यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, आप इसको ऑन कर दीजिएगा और इसमें आपका जो भी एमपिन आपको चाहिए वो जो डिजिट है 6 डिजिट यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे मैं 6 डिजिट एंटर कर दूंगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेकबॉक्स है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको टिक कीजिए फिर कंफर्म में क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप कंफर्म में क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं यहाँ पे OTP एंटर कर दिया, फिर सबमिट बटन में क्लिक कर दिया। देखिए, जैसे ही क्लिक किया यू हैव सक्सेसफुली सेट योर इजी पिन फॉर लॉगिन, तो आपको इजी पिन भी सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में सारा प्रोसेस देखा है कि कैसे आप योनो लाइट SBI ऐप में लॉगिन कर सकते हैं आपका एग्जिस्टिंग यूजर नेम और पासवर्ड से। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिए, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।